नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में पनीर की सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं। जलफ्रेजी सब्जी में लगने वाली सामग्री है 250 ग्राम पनीर। उसको अच्छे से साफ पानी से धो लिया है और फिर उसके ऐसे पीसेस काटने हैं। एक शिमला मिर्च, उसको धो के लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। 1.5 चम्मच मक्खन बटर, 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 2 टमाटर जिसका हमने बीज अच्छे से निकाल लिया है और फिर लंबा लंबा स्लाइस किया है। ऐसे हमने शिमला मिर्च के बीज निकाल लिए। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने गोल गोल स्लाइस कर लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन कर दी है, आंच मध्यम रखना है। सबसे पहले हमने पनीर को थोड़े से बटर में रोस्ट करना है। थोड़ा बटर डालेंगे, गरम हो चुका है, हमने ज्यादा गरम नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा। फिर हमने एक एक करके पीस डाल देना है। एक मिनट के लिए हमने कम आंच में ऐसे पकने देना है। एक मिनट हो गया है, अब हमने पनीर के पीसेस यानी टुकड़ों को पलट देना है। दूसरी तरफ से भी हमें एक मिनट पकाते ही हो चुका है। अब पनीर रोस्ट हो चुका है, अब इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लेंगे। गैस ऑन करनी है, पैन रख दिया है, हमने बाकी बचा हुआ बटर डाल देंगे। बटर गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने अजवाइन डाल देंगे, इसको थोड़ा भूनना है। जीरा, जब तक भूनता है तब तक हमने एक बर्तन में मसाले का पेस्ट बनाना है सूखे मसालों का। तो उसके हमने एक बर्तन में हल्दी पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, इन सब को डालने के बाद हमने पानी डाल देना है और उसका पेस्ट बनाना है। पहले हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, थोड़ा भूनना है 30 सेकंड के लिए यानी आधे मिनट के लिए। आधा मिनट हो चुका है, अब इसमें हमने
जो पेस्ट बनाया था मसालों का वो डाल देंगे। आंच को थोड़ा और तेज कर देंगे। लगातार चलाते हुए हमने एक मिनट तक पकाना है। मसाले को पकते हुए एक मिनट हो गया है। अब इसमें हमने टोमेटो सॉस यानी टोमेटो केचप डाल देंगे और उसको भी चलाना है। और साथ ही हमने रेड चिली सॉस डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। फिर से लगातार चलाते हुए हमने एक मिनट पकाना है। एक मिनट हो गया है। अब इसमें हमने प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, हाफ कुक करना है। नमक भी डाल देंगे। मध्यम आंच में हमने इसको ढक के रख देंगे और एक मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है। अब हमने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को भी हमने लगातार चलाते हुए दो मिनट तक पकाना है। दो मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते हुए। अब हमने रोस्ट किया हुआ पनीर के पीस डाल देंगे और आंच को तेज कर देंगे और लगातार चलाते हुए हमने इसको दो मिनट तक पकाना है, क्योंकि इससे ग्रेवी नहीं होती है, बिल्कुल सूखी होती है। दो मिनट हो गए हैं पनीर के साथ में मसाले को पकाते हुए। अब गैस बंद कर देनी है और कसूरी मेथी को हमने हथेली की मदद से मसलते हुए डालना है। और इसको मिला देंगे। हमारे जलफजी पनीर बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सिंपल, इजी, टेस्टी, जल्दी बनने वाली पनीर की सब्जी जलफजी बनके तैयार है। इसे आप घर पे जरूर बनाएं, ये बाकी आपको पसंद आएगी। इसे रोटी, पराठा या नान के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।